सारे फैमिली मेंबर्स करण जी का दिल से स्वागत करते हैं और करण सर के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और हम लोग इनके बिग बॉस देखे हैं और इनके सारा मतलब जो भी इनका रियलिटी शोज आता है सब देखते हैं और ये एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन है। इनकी वजह से हमें लगता है कि हमारा नाम आगे बढ़ेगा, इस सैलून का नाम आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे जो जय और भूमि हैं ये लोग भी बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा हमें इनके आशीर्वाद मिलेगा। ये साथ में है हमारे और इतने हैंडसम ये तो मैं बोलूंगा नो डाउट सर, मेरे को लगता है इस सैलून में आके मेरी हैंडसमियत और बढ़ जाएगी। आपने बुला ही लिया है तो मैं जब भी कोई इवेंट के लिए ऐसे मुझे बोला जाता है तो मैं बहुत मैं बात करता हूँ और मैंने इनसे बात की और मैंने इनकी इनकी एनर्जी देखी कि ये लोग जो है ना बहुत ही प्यार से और सही वाइब को लेके एक काम शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं आया इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है एंड यू कैन सी कि इट्स अ फैमिली रन प्लेस और यहाँ पर जो भी आएगा वो खुश बाहर जाएगा, वो चीज मुझे फील हुई एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। कितनी खुशी होती है आपको, काफी सारे नाम दे दिया, अभी यूथ आइकॉन भी बोल लिया, बहुत सारे वी नो लाइक नाउ यू आर वेरी पॉपुलर, पीपल लुक अप टू यू, कितनी खुशी होती है जैसे इस सैलून में आके जब मैं अंदर आ रहा था तो ये जो मैम थे वो बता रही थी कि हमने आपको यहाँ देखा है, आपके इनफैक्ट उनकी जो इनका आपका नाम क्या है, वजश्री, सो राइम करता है कि जो चीज़ हमने कमाई है उसको मैं एक यूथ आइकॉन में नहीं डालना चाहूँगा। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ फैमिली थिंग। मैं यहाँ जब आया हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और ये इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है, ना ही फ़ोन पे ऐसा लगा, ना ही बात करते हुए ऐसा लगा, ना ही आज ऐसा लगा। जब मैं ऊपर जा रहा था तो जो मैम थी उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अपने बेटे को पकड़ता है कोई, मुझे वो मतलब वो यूथ आइकॉन वाली फील नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने ही किसी फैमिली मेम्बर के एक नए वेंचर के लिए आया हूँ एंड मैंने ऊपर माथा भी टेका है एंड आई पर्सनली होप दैट बहुत अच्छा चले। और वो मुझे पता है जब आपकी इंटेंशंस सही होती हैं तो वो चीज़ अच्छी ही होती है जो कि दिख रही है। करण क्या तीन चीज़ें देखते हैं जब किसी भी ब्रांड के साथ अपना नाम, मुझे लगा आप यहाँ पर आपने मेरे को देखने का दिया कुछ भी को लगता है थोड़ी देर बाद आराम से बैठ के देखूंगा, हमेशा नीयत आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत सही है और अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो इस नीयत से कि हम लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं, ऑफकोर्स उससे आपका घर भी चलना होता है, लेकिन अगर आप एक स्टार्टिंग से ही एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह में जाते हो तो उसमें आप उस लेवल पे पहुंचोगे नहीं कि आप कभी। करण भाई मैंने देखा सैलून भी है, लेडीज सैलून है, सबसे पहले आप किसको लेके आओगे अगर आपको ऑप्शन? आपकी गर्लफ्रेंड है? ऐसे सवाल पूछोगे तो बनेगी नहीं। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे बहुत शूट करते हैं, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मुनव्वर का शो भी इसी एरिया में था तो हम लोग आते रहेंगे एंड मुझे तो लग रहा है कि लाइफ टाइम फ्री सप्लाई मिलने वाली मेरे को डेफिनेटली। सी ये व्हेनेवर वी आर शूटिंग हियर आई थिंक मैं यहाँ आऊंगा क्योंकि इनके बाल बाल देखने वाले मैंने देख लिया अच्छा काम करने वाले हैं। सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े रहते हैं, सिर्फ एंटरटेन करना काम नहीं होता है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उनका योगदान होता है। अक्षय सर फिर 5वें साल बड़े टैक्स पेयर बने हैं तो रजनीकांत जी भी हाँ, तो पहले अक्षय सर के बारे में जानना चाहूंगा कितना इंस्पायरिंग है ये चीज की टैक्स पे करते हैं ऑनेस्टली और सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। सी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस है, बिकॉज हम लोग अगर हम कुछ भी करते हैं अगर हम उसको वापस अपनी अपनी कॉम को नहीं देते हैं, बिकॉज आप देखो यहाँ पे सड़कें बन रही हैं अभी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये सब हम लोग जब अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे एंड वी हैव अ ग्रेट
कॉम्पिटिशन विद अ वेरी नियर कंट्री जिसके साथ हमारे यू नो वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. सो अगर आपने अभी देखा है कि रिसेंटली वी हैव ऑल्सो अग्रीड टू ट्रेड इन द इंडियन रुपी. हम लोग डॉलर को भी हम अभी अगर आपको रशिया से कुछ मंगाना तो आप इंडियन रुपी से भी मंगवा सकते हैं. अभी RBI का एक नया रूल है. सो दीज आर ऑल द स्लो स्लो स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग टूवर्ड्स बिकमिंग जो पहले एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी एंड इनटू बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान को कोई रोक सकता है. सर आपसे जानना चाहूँगा करण सर के साथ अगर आपको किसको देखना हो यहाँ पे तो आप किसको देखना चाहो पसंद करोगे देखना करण सर के साथ यहाँ पर. चलिए सर कब आएगी मैम के साथ आप कब यहाँ पे. अभी तो गाना आया अच्छा यहाँ कब आएंगे. हाँ जरूर जब भी जैसे मौका मिले डेफिनेटली. एंड गाने की चर्चा आप हो रही थी गाना काफी सुपर डुपर हिट हो चुका है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे. सेकंड सॉन्ग भी आने वाला है आप लोग का. बारिश बारिश आई है बारिश रुकी नहीं रही है क्या बोलते रहे थे ना. हाँ जी आप मतलब आप यहाँ से होगी यहाँ से क्वेश्चन बाद में बच्चे सर आपसे जानना चाहूंगा ये नाम जो काफी यूनिक है आर्का था अगर उसके बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को. आर्का जैसे आर्का ऊर्जा से आ रहा है. ऊर्जा इज द पैरेंट और ऊर्जा कॉर्पोरेशन ने आर्का को इन्वेंट किया है. और आर्का इज लाइक फ्रॉम द सन सूरज की ऊर्जा है और सूरज से जो निकलता है हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो भी यहाँ पर आएंगे उनको वही चमक मिले उसी तरह उनको एनर्जेटिक फील हो उनको शक्ति मिले वही उनके चेहरे पर चमक आए. इसीलिए मैं हमने इसको इस नाम को चुना. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. चलिए.